So, two or three people are going to be let's just wait until we reach 50. Okay, we've reached 50. So, hello, welcome everyone. Today we have Chef Aparna Kolarkar with us. He'll be preparing the exotic Arabian cuisine for us, all of us. A lot of you have also asked me earlier to introduce her again. So this time I'll also try to introduce her again properly. So Chef Aparna Kolarkar started her cookery journey with a prestigious award from Padma Shri Tarla Dalal. She her recipe, Aparna, Chef Aparna's recipe, was published in Cooking and More, a magazine which is published in more than 51 countries. After that, she received the prestigious Kitchen Khiladi Trophy signed by Sanjeev Kapoor. She has been featured on Living Foods, Zee Marathi, Colors Marathi, and she has also received award from the respected minister, Mr. Nitin Gadkari ji, for her outstanding contribution to the field of cookery sciences. And there are multiple awards, Women Achiever Award, then Food and Beverage Hospitality Award, multiple awards. So without further ado, we'll just hand over the mic to Chef Aparna Kolarkar and let's get started. Hello everyone. आप सभी का स्वागत करती हूँ अमूल के ये सेशन में. आज थोड़ी ज़्यादा खुश लग रही हूँ ना मैं. हाँ, कारण भी वैसी है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एक डिश में मेरे दो फेवरेट डेजर्ट, हाँ, टू इन वन. आज बना रहे हम कुनाफा विथ लेमन चीज़ केक. ठीक है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, लेकिन हम अच्छे सिंपल तरीके से बनाएंगे. अगर हमारे साथ अमूल है तो द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो सिंपल होममेड रेसिपी हो ही जाती, चाहे वो अरेबिक कंट्री की हो या कोई भी कंट्री की हो. तो चलते हैं अरेबिक की दुनिया में, चलते हैं. चलिए, तो शुरुआत में अरेबिक कंट्री में ये कुनाफा जो है वो कहाँ से आया हुआ है. कुनाफा ऐसे आया हुआ है कि 10th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी आ रही है, 10th सेंचुरी में सूफियान जो एक शख्स थे, उनको रमज़ान के मंथ में जो अर्ली मॉर्निंग सेहरी खाते हैं, राइट, उसके बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पोर्शन चाहिए था उनको कि थोड़ा सा कम हो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना. मतलब जैसे दूध पियेंगे तो जल्दी हजम हो जाएगा, है ना. तो ऐसा कुछ सॉलिड मिल्क का, जो मतलब प्रोटीन युक्त हो, कैल्शियम युक्त हो और कुछ कार्ब भी हो, राइट, और छोटे पोर्शन में हो ताकि वो जो भूख है वो ना लगे. तो चलते हैं, हम लोग बनाते हैं कुनाफा विथ लेमन चीज़ केक. देखिए, अभी हमारे पास है, ये है, क्या है ये, मिल्क में अमूल का चीज़ स्प्रेड लिया हुआ है मैंने, अमूल चीज़ स्प्रेड. ये मैंने लिया हुआ है, ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये चीज़ स्प्रेड, 200 ग्राम चीज़ स्प्रेड आपको क्या करना है, लेना है. आप चाहो तो मतलब मोजरेला भी डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ स्प्रेड से क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है, अच्छा होता है, क्रीमी होता है. ये गया इसमें करीब 200 ग्राम, क्या करेंगे हम लोग, इसको लेते हैं और 200 ग्राम, देखिए इक्वल क्वांटिटी में मैं ये मिल्क मेड जो अमूल का है, बहुत ही अच्छा काम आसान बनाता है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें आधे पोर्शन में, राइट. मैं लेमन चीज़ केक है तो लेमन तो जाएगा, है ना. ये हमारा ये लेमन का जूस 2 टेबलस्पून, देखिए 1-2. देखिए मैं नागपुर से हूँ तो मुझे इतनी इच्छा हो रही थी कि थोड़ा सा मैं ऑरेंज जूस भी डालूँ, लेकिन रोक लिया. अगली बार अभी अच्छे ऑरेंज आ रहे, कुछ बनाते हैं. ये है थोड़ा सा लेमन जेस्ट, ठीक है, लेमन का छिलका जो है वो आपको निकालना है
और याद रखिए उसमें क्या है, वो वाइट कलर का जो आता है पोर्शन, जैसे ऊपर का ग्रीन है या येलो है, वो धीरे से निकालना है, वाइट पोर्शन कड़वा होता है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो बन जाएगा, उसमें टाइम भी नहीं लगता। ये गया लेमन जूस और ये है वाइट चॉकलेट, ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरे पास भी अभी ये अमूल का, देखिए ऐसे कोई चीज़ नहीं है अमूल के पास, मतलब हम लोगों को चाहिए और अमूल के पास नहीं हो, तो ये मैं लेमन चॉकलेट देखा तो अरे वाह, उसमें लेमन चॉकलेट भी है, तो आज हम लेमन चीज़ केक बना रहे, तो मैंने ये भी लिया है। देखिए ये लेमन चॉकलेट मैंने जो लिया है वो थोड़ा सा डालते, आप चाहो तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा। इसको मैंने फाइनली चॉप किया है, वो डाला हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्सी से निकाल लेंगे ताकि एकदम स्मूथ बैटर हो जाए। अच्छे से जब आप घुमाएंगे मिक्सी से तो एकदम स्मूथ बैटर हो जाता है इसका, ठीक है। ये मैं बाजू में रखती हूँ, आपको किया हुआ दिखाती हूँ। उसके पहले भाई लेमन चीज़ केक का जो फीलिंग है वो तो हो गया, कुनाफा जो हमारा डेजर्ट है, देखिए तो इसमें क्या जाता है, ये कुनाफा डो आता है राइट, तो उसको क्या करते हैं, कुनाफा डो में थोड़ा सा बटर डाल के उसको सेट करते हैं, देखिए। तो यहाँ मैंने वर्मा सिली या वर्मा चेली लिया हुआ है, वो भी रोस्ट किया हुआ राइट, आजकल तो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन घर में भी थोड़ा सा बटर में या घी में थोड़ा सा आप रोस्ट करेंगे, तो ये मैंने रोस्ट किया हुआ है। अगर रोस्ट किया हुआ नहीं लेते आप कुनाफा डो, तो उसको थोड़ी देर आप बेक कर सकते हैं राइट। तो ये गया, इसके साथ मैं लेती हूँ 2 टेबल स्पून, ये स्पून छोटा है, ये देखिए है ना, अभी ये कुनाफा डो का जो वर्मा सिली के साथ लिया हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर सकते। इसमें मैंने और क्या किया है, ये है बटर, ओके, ये कुनाफा डो, ये उसको अगर कुनाफा डो आप लेते हैं तो क्या करना है, उसको बटर के साथ मिक्स करना है और थोड़ा सा बेक करना है, 180 पे 10 मिनट काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये पहले सेक के रखी है, तो आजकल मार्केट में भी आती है, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, देखिए। आई थिंक मैं हाथ से कर लेती हूँ, आजकल तो मतलब पूरा हम लोग सभी सेफ्टी मेजर बहुत ध्यान से, पहले भी ध्यान रखते थे, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग ध्यान रखते कि नहीं भाई बताना भी ज़रूरी है ना। तो अच्छे से हाथ धो चुके हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ये हाथ से, क्योंकि ये वर्मा सेली जो है थोड़ी सी क्रंची रहती है ना। देखिए मैंने थोड़ा रोस्ट किया है तो भी, और सबसे मज़ेदार क्या चीज़ है, देखिए ये इस टाइप की आती है राइट, इसको ऐसे उठाना आप, ठीक है, इसको ऐसे, ये बहुत मज़ेदार काम है, देखिए है ना, ऐसा अगर आप करते तो बहुत आसानी से ये क्या होता है, हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सेकी हुई है, ये कुनाफा डो सेका हुआ लिया हुआ है या वर्मा सिली, तो इसमें मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हम शुगर सिरप डालेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन अमूल का मिल्क मेड, थोड़ी सी मिठास आएगी उसमें। और इसको क्या करते हैं, आपके पास जैसे ये छोटी छोटी कटोरियाँ रहती है ना इस टाइप के, देखिए इसको कोई भी क्लीन रैप रखे लगाइए, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर ऐसा है स्मॉल केक का सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन नहीं है तो भी रुकना नहीं है, मैंने जैसे बताया स्टील की कटोरी ऐसी छोटी छोटी रहती है, आपको जो भी शेप में लेनी है ना, उसमें ये क्लीन रैप रखेंगे और इसको भी शेप देंगे, कहीं रुकना नहीं है। मैंने बताया पद्मश्री तरला दलाल का
कि उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि कहीं भी कहीं रुकने नहीं, हम शो करते हैं, बाहर जाते हैं, टेबल पे सिखाते, कई बार हाथ धोने के लिए नहीं रहता, कहीं चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि घर में कुछ नहीं है और नहीं है तो रुकना है भाई। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो मैं ध्यान रखती हूँ कि ये नहीं तो भाई ऑप्शन दूसरा रखती ही हूँ। ये जो कुनाफा का नीचे का ये, इसको थोड़ा सा दबा के अच्छे से आप कर लेंगे, देखिए इस टाइप का। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सैफरन मिला के भी रख लेंगे बटर में। मैंने थोड़ा सा बटर में सैफरन मिला के लिया था, थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर अच्छा लगता है, है ना। ये जो जैसे सूफिया अन्ना जी ने ये किया है डिश, है ना, तो ऐसे ही कुछ अपने भी कुछ देश रहते हैं जिससे लोग याद करें। तो अभी जैसे हमने बात की कि किचन खिलाड़ी अवार्ड जब संजीव कपूर जी से मिला, तो मैंने भी एक रेसिपी जो मेरे नाम से की है, इस साइड में नागपुर के साइड में ना खूर बहुत प्रसिद्ध है, नॉनवेज डिश है, लैम का लेग रहता है। तो वेजिटेरियन लोग जैसे हम लोग, तो वो वही वैल्यूज़ उसमें खूर की आ जाए, ऐसा वेज खूर की रेसिपी मैंने बनाई थी, तभी ये इतना बड़ा अवार्ड उनके सिग्नेचर के साथ मिला है। तो उसकी ऐसा नहीं कि ब्रेड लिया है और कर लिया वो खूर, ऐसा नहीं, सफोला सीड्स, सफोला ऑयल तो सबको पता है ना, लेकिन सफोला सीड से वो खूर बनाया था ताकि उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो भी वेजिटेरियन में आ जाए। ये देखिए ये बन गया, इसको फ्रिज में रखते हैं। अब एक कटोरी के साथ मैं बना के देखती हूँ। ऐसा ही एक मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके कुनाफा डो में डाला हुआ है, देखिए ये अच्छे से क्या करना है आपको, बस ये ऐसे दबाना है और फ्रिज में रखोगे तो 10-15 मिनट में अच्छे से निकल आएगी। तो हमारे पास ये नहीं है करके रुकना नहीं है, सिलिकॉन का नहीं है भाई, नहीं रुकना है। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल होममेड रेसिपी में भी अमूल के कारण हम लोग अरेबिक की दुनिया में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और उनकी रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान कर दिया उन्होंने काम। देखिए ये गया, मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। चलिए देखिए, ये मिक्सी से मैंने घुमाया था ये जो हमने बना के रखा था, लेकिन पहले से मैंने क्या किया है, इसको मिक्सी में घुमा के रखा है ताकि हमारी डिश अच्छे से वक्त में हो जाए। देखिए कितना गाढ़ा और एक जैसा हो जाता है, है ना। इसको अभी कुछ कटोरियाँ भी मैंने बना के रखी थी, उसमें हम लोग ये डालेंगे और 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में क्या हो जाता है, देखिए 10 मिनट में ये मैंने ये जो बनाई थी ये बना के रखी आपके लिए। ओहो, धीरे से आराम से, बहुत नाजुक है। तो ये जो मैंने बनाया था ये देखिए, ये इधर से इधर करती हूँ और कोई भी टिश्यू से हम लोग इसको साफ करेंगे। थोड़ा आधा घंटा कम से कम रेस्ट चाहिए और ये जो ऊपर का पोर्शन है वो अनइवन ही चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है। ये चॉकलेट का भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा अनइवन है, अच्छा लगता है, वो नेचुरल लगता है। तो हमारा ये डो जो चीज़ लेमन चीज़ गैप बैटर का, वो हम लोग इसमें फील करेंगे। के पास थोड़ा आधा घंटा भी है तो अंदर रख दीजिए। कुनाफा क्या रहता है, ऊपर से भी कुनाफा डो से ढका रहता है, अंदर चीज रहता है, मतलब अलग अलग टाइप की चीज, और ऊपर से फिर से कुनाफा डो रहता है, और अरेबिक डिश है भाई, ढेर सारा पिस्ता है ना। तो ये गया इसमें, ठीक है। और ये चॉकलेट में भी मैं डालती हूँ, देखिए वाइट चॉकलेट है भाई, अमूल का शो कर रहे तो हर चीज़ उससे में जो जाएगी, देखिए ये वाव,
क्योंकि कुनाफा क्या रहता है, जैसे बड़ा आप केक जैसे बनाते हैं गोल राउंड शेप में, या उसको ये आइस बॉक्स डेजर्ट भी एक नाम है, स्क्वायर में रखते हैं, लेकिन आजकल तो नैनो का ज़माना है छोटा छोटा खाने का, है ना। जो भी हम लोग स्वीट खाएंगे वो छोटा छोटा खाएंगे और इजी वे से खाने के लिए अच्छा रहता है, तो वो हिसाब से मैंने किया। मैं देखती हूँ और एक मेरे पास ये हुआ है क्या, देख लेते हैं। अभी सेट होने की है, ये एक और एक बना देते हैं उसमें। बस फटाफट से बनने वाली ये डिश है, और लेमन चीज़ केक या कुनाफा ये नाम सब सुन के हम लोग डरेंगे नहीं। ये गया इसमें। अब जैसे मैंने बताया पिस्ता शू, ये पिस्ता देखिए हरा कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है ना। ये कुछ उसकी फ्लेक्स मैंने काट के रखी है, ये कुछ इस टाइप से रखेंगे। आप चाहो तो वाइट चॉकलेट फिर से उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है, इतना शानदार ये बन गया है। देखिए ये इसको इसका, और थोड़ा सा भी है हमारे पास ऊपर, आप इसका वाइट चॉकलेट का स्पून बना दीजिए, या फिर स्टिक से वैसे भी खा सकते हैं, स्टिक बना के। ये गया उसमें। अब ये भाई ये जो हम लोग बना रहे लेमन चीज़ केक, तो मेरी इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा ये लेमन विज मैं रख देती हूँ। देखिए एकदम क्रीमी मीठा क्रंची कुनाफा डोसे या फिर वर्मा चिली से, और उसके साथ ये खट्टापन लेमन का बहुत ही सुंदर ये, और बहुत आसानी से। देखिए मैंने कितने आसान तरीके से आपको समझा दिया है। ये इसमें डाल देते हैं थोड़े से पिस्ता, अरेबिक डिश है तो ड्राई फ्रूट्स तो भाई अच्छे से डलनी चाहिए। ये देखिए हाँ, ये देखिए ये कितना छोटा सा नेस्ट जैसा बन गया है। आप चाहो तो चीज़ के बॉल, या फिर आप जैसे कॉटेज चीज़ है उसके छोटे छोटे बॉल बना दीजिए मीठे वाले, उसमें सब डाल के और ये ऊपर रख दीजिए तो एक नेस्ट बन जाएगा, राइट। ये देखिए राइट, फटाफट ये रख देते हैं। देखिए भाई लंच का टाइम है तो एक ही डिश बनेगी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं दूसरा डिश आपको फटाफट बता देती हूँ। एकदम फटाफट होने वाली रेसिपी और आराम से बनने वाली रेसिपी। हाँ देखिए, अब ये मैं तब तक एक पैन गरम करने के लिए रख ही देती हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। अगर लाइव पे मैं आई हूँ और एक ही डिश में करेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं, उसी टाइमिंग में हम दो, क्योंकि लंच का टाइम है भाई, भरपेट खाने की इच्छा होती है, मीठा खाया तो हमको तो सेवरी भी खाने की इच्छा होती है। तो चलिए अभी डिश की तरफ आते हैं हम लोग। बहुत ही फटाफट होने वाली डिश, और थोड़ा मैरिनेशन करके रखना है आपको। ये है लेबनीज सीख कबाब, ठीक है। लेबनीज सीख कबाब है, उसको आप मतलब स्क्वायर में काट के स्क्वायर पे लगा के कर सकते हैं, या फिर सीख पे भी लगा सकते हैं। तो शीश टाउक एक लेबनीज डिश है, शीश यानी चिकन रहता है, तो हमारे पास क्या है पनीर, पनीर टाउक है ना, तो लेबनीज कबाब। चलिए तो ये लेबनीज कबाब आज अरेबिक दुनिया में ही जाएंगे हम लोग। जो पनीर है देखिए कितना शानदार अमूल का पनीर, उसको अच्छे से मैंने क्या किया, क्रीमी क्रीमी पनीर
इसको अच्छे से मसल लिया है, ठीक है। इसमें जाएगा एक छोटा एक टेबलस्पून दही। इसमें पानी निकाल दिया मैंने, वैसे भी बहुत क्रीमी और अच्छा है ये। ये डाल दिया है, इसके साथ कुछ पुदीने के पत्ते, ठीक है। पुदीना भी ऐसे थोड़ा सा हाथ से तोड़ के डालेंगे, क्योंकि जितनी भी अरोमा वाली चीज़ें हैं ना वो ऐसे डालेंगे। थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा ये प्याज, एकदम महीन काटा हुआ है, देखिए कितना महीन काटा हुआ है। अगर ये आप, मैं और एक रेसिपी देना चाहती हूँ इसके साथ मैं बात करते करते, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें खाली लहसुन लिया है मैंने, तो ये गया पेस्ट, राइट। और एक क्वेश्चन है आपको, हाँ जी गीता जी पूछ रहे कि आपने हाँ, कौन सा सेवई यूज़ किया था। हाँ, मैंने ये वर्मासिली छोटी सी बारीक आती है, एकदम महीन है ना, अभी नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन चलिए हर स्टोर में मिल जाएगी इस टाइप की। मैं दिखाना चाहूँगी थोड़ी देर में आपको, फिर से बताती हूँ। आराम से मिलती है, और ये मतलब रोस्ट की हुई भी मिलती है। थोड़ा सा नमक, नमक ये गया नमक, और इसके साथ क्या क्या स्पाइसेस लगेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे हम लोग। देखिए ये गया, देखिए ये है हरी इलायची का थोड़ा सा अरेबिक है ना, तो थोड़ा सा ये हरी इलायची का पाउडर, थोड़ा क्यूमिन पाउडर, हाथ से डाल देती हूँ ये क्यूमिन पाउडर, आप नोट कर लीजिए। ये देखिए क्यूमिन पाउडर, और ये हमारी छोटी इलायची जो रहती है उसका पाउडर, इसके साथ थोड़ी सी हल्दी, कलर अच्छा था, पेपरिका कलर अच्छा आता है इससे, ये ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो, लेकिन हम लोग आज सीख कबाब कर रहे हैं ना, तो डालेंगे। आप नहीं डालोगे तो ले फ्रेश ग्राउंड पेपर या ब्लैक पेपर, थोड़ा सा दर दर आप पीसिए। देख भाई उसका जो एकदम अरोमा रहता है ना फ्रेश, इसका वो कुछ अलग ही रहता है। थोड़ा रेड चिली पाउडर, अगर आप स्क्वायर में कर रहे हैं तो पेपरिका और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा थाइम, थाइम और एक नो इसकी खुशबू ही कुछ अलग रहती है। ये थोड़ा सा थाइम और डाल देती हूँ, और ये गया धनिया पाउडर। देखिए मैंने क्या क्या ये स्पाइस मिक्स मैंने बना के रखा है, ठीक है। ये जो सब चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या है इसमें, पेपरिका है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर, थोड़ा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और कुछ फ्रेशली ग्राउंड ये जो है ब्लैक पेपर, थाइम, ओरिगेनो, और एक चीज़, देखिए एक चीज़ और जो है ये है कलमी, या फिर इसका थोड़ा सा शार्प रहता है टेस्ट, तो एक पिंच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, राइट। थोड़ा मेरा माइक गिर गया है तो मैं उसको एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आए। देखिए अब थोड़ा सा इसमें क्या डालना रह गया, नमक, और इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे, एक साथ मिक्स करेंगे। तो हमारे पास टाइम था तो हमने क्या किया है, ये बना के रखा है। देखिए ये अच्छे से ये जो मिक्सचर है वो हमने क्या किया हुआ है, बना के रखा है। ये हम लोग लेते प्लेट में, देखिए। अब अगर किस में आप मतलब करने वाले हो वो बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे इस पे करना चाहते हो, आएगा क्या इसमें, आई थिंक थोड़ा सामने की साइड में आएगा, नहीं तो आप स्क्यूअर्स ले सकते हैं। स्क्यूअर्स नहीं भाई, सिंपल होममेड रेसिपी। इसको अगर लेते हैं तो क्या करना है, खाली इसको थोड़ा सा पानी में पहले डुबा के रखना है, ठीक है। ये अच्छे से मैंने निकाल लिया, और इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, देखिए हाथ के शेप से।
अच्छे से इसके ऊपर आ जाए कबाब की शेप में। इसको थोड़ा ऐसे पतला पतला करते जाएंगे फिर, ठीक है। वो नहीं आ रहा था हमारे पास, वो पैन में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे डायरेक्ट आँच पे करते ना तो ये पोर्शन अच्छा रहता है इसलिए। लेकिन जो भी है, हमारे घर में हम लोग रुकेंगे थोड़ी, हम तो आज अरेबिक दुनिया में जाएंगे। कलमी क्या है वो बताइए। कलमी यानी सिनेमन स्टिक, ठीक है, जो हम लोग कलमी सिनेमन स्टिक बोलते हैं। इसका बहुत शार्प रहता है और क्या होता है कि बटर है मेरे पास थोड़ा सा, तो बटर से उसको ग्रीस करती हूँ पहले। ये गले के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब जो हमारे मसाले हैं ना, वो लेबनीज या ऐसी जो अरेबिक कंट्री है उसमें खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये सबके ना वैल्यूज़ बहुत अच्छी है, किसी के किसी में गला किसी कलमी के कारण या फिर सिनेमन स्टिक से गला अच्छा होता है। वेट लॉस के लिए देखिए, जितनी भी होम मेड शेफ है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। फटाफट मैं दूसरा भी बना के रखती हूँ। इसके साथ कोई भी चटनी या कुछ भी आप मतलब दे सकते हैं कि सैलेड या फिर कुछ प्याज के कतले है ना, थोड़ा सा रॉ सैलेड जो भी है आप दे सकते हैं। आज थोड़ा सा माइक ये देखिए, ये इस टाइप से देखिए ये है ना, इसको ऐसे ऐसे पतला करेंगे। भी वेजिटेरियन खाना भी हर कंट्री का हम खा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रश करेंगे और आराम से ये होते रहेगा। ये फिर से एक बार रिपीट कर सकती हूँ मैं ये रेसिपी जो मैंने ये डाला था, स्पाइस कैसे कैसे बनाया था आपको याद है? अगर नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको बता दूँगी कि कैसे करना है। देखिए ये जो लाइनिंग्स है, देखिए इस पर कितनी सुंदर लाइनिंग है। और घर में भी ये जो धुआँ है ना, ये परफेक्ट धुआँ हमारा जैसे बारबेक्यू जैसा आ रहा है, तो इसको होने देते, तब तक हम लोग लेते डिश सर्विंग के लिए। देखिए ये मैंने कुछ पत्ते रखे हैं केले के, मेरे घर में केले का पत्ता जैसे है तो वो लिया हुआ है। कुछ सैलेड आप कुछ कचुम्बर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वो है। और इसके साथ भाई नीम की चटनी तो चाहिए और सॉस। किसी का क्वेश्चन है? अर्जुनिता जी बोल रही कि वो आप नागपुर के सबसे फाइनेस्ट शेफ है और कॉम्प्लीमेंट कर दिया। थैंक यू वेरी मच निशा जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा ही मतलब नागपुर का नाम हर जगह हो जाए ऐसा मैं चाहती हूँ। और इतना सारा प्यार ये अमूल के सेशन में मिलता है। अभी अभी हमने मोदक का भी किया था, वैसे ही अमूल के पेज में भी बहुत ज़्यादा उसको ये किया गया। तो ये हमारा कबाब देखिए लाइनिंग, इसको अभी करते हैं हम लोग बंद, तब तक ये इसको आराम से क्या करेंगे उठाएंगे। और किसी का क्वेश्चन है? थैंक यू निशा, ऐसे ही ना दिल खुश हो जाता है जैसे सब लोग जितना अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसे बहुत दिल खुश हो जाता है। और ऐसे सेशन मतलब अमूल ले, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये देखिए ये आराम से भाई, इतना आराम से ये हो गया है। थोड़ा ध्यान से उठाएंगे हम लोग इसको, थोड़ा सा ध्यान से। तब तक ये अमूल के आप प्रोडक्ट देख लीजिए जो जो मैंने यूज़ किया है। ये क्या कबाब, कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा। ये थोड़ा ध्यान से उठाएंगे हम लोग इसको, थोड़ा सा दूसरा नहीं आ रहा है उसमें। तो ये हमारा कबाब और ये हमारा ये मिंट की चटनी और ये अरबिक हमारा सीख कबाब, देखिए लेबनीज सीख कबाब। और ये जो हमारा ले कुन्फा विथ लेमन चीज़ केक, देखिए ये थोड़ा गर्म है, मैं थोड़ा इस साइड में ये करती हूँ।
और ये यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि आप दोनों डिश जो है आराम से देखें। किसी के कोई क्वेश्चंस? बोला था ना मैंने, जब मतलब हमारी इच्छा रहती है और वही टाइमिंग में, अरे लंच का टाइम है भाई, मीठा खा के थोड़ी सी हो जाएगा, कुछ चटपटा भी चाहिए, क्योंकि हम तो नागपुर वाले क्या, पूरा इंडिया जिनके साथ अमूल है और द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल, तो वो जब हमारे साथ होता है, हमारी कुकिंग में होता है, तो सिंपल होम मेड रेसिपी जो हमारा थीम है, लेकिन अरेबिक रेसिपी भी बहुत सिंपल वे से हो जाती है, राइट। तो ये देखिए कितना सुंदर इसमें लाइनिंग है। और प्लीज़ आप सब लोग कमेंट कर लीजिए कि आपको क्या लगा, कैसे लगा प्रोग्राम, और किसी के क्वेश्चंस है बाद में भी तो आप ज़रूर पूछें। मैं उसमें स्पाइस मिक्स जो है कबाब का वो भी बताऊंगी आपको, कि अगर तैयार रहा ना तो आसान, हमारे घर में ये सभी चीज़ें रहती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, तो बहुत आसानी से ये हुआ चीज़ के। और ये मीन चीज चटनी और सॉस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमूल, और थैंक यू वेरी मच आप सब इतना सारा प्यार देते उसके लिए, और हर बार मिलके अच्छे ही अच्छे अच्छे चीज बनाते रहेंगे। तो आप एंजॉय कर लीजिए अरेबिक ये अपने कबाब और लेमन चीज केक। थैंक यू वेरी मच।